ब्रॉक लेसनर ने छोड़ा स्मैकडाउन ब्रांड, बट क्यों, क्या है इसके पीछे बड़ी वजह, वही जानेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि स्मैकडाउन का आज का एपिसोड खत्म हो चुका है, वहीं एपिसोड में कुछ खास नहीं था क्योंकि सऊदी अरेबिया के इवेंट से रोस्टर लौट नहीं पाए थे। बट आज के एपिसोड में खास बात, पॉल हेमन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन को क्विट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि आज के एपिसोड में पॉल हेमन ने आके बताया कि रे मिस्टीरियो को हंट करने ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ पर जाएंगे और स्मैकडाउन को वो अभी छोड़ रहे हैं। इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहता हूं। जैसा कि क्राउन जूली इवेंट में ब्रॉक लेसनर ने अपना टाइटल रिटेन करा और फिंड बने न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब ब्रॉक लेसनर और फिंड दोनों ही स्मैकडाउन ब्रांड से जुड़े हुए हैं और WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप सेम ब्रांड में आ गए थे। बट ये बात आप भी जानते हैं कि दो बड़े टाइटल एक ब्रांड में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रॉ को भी एक बड़े टाइटल की जरूरत है। जब ड्राफ्ट हुआ था तभी मैंने अपनी अपडेट में कहा था कि यूनिवर्सल टाइटल स्मैकडाउन पर और WWE चैंपियनशिप रॉ में जाएंगी। बट ड्राफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे लगा मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई। बट नहीं, ऐसा अब जाके हुआ है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वेलास्केस के मैच के एंड में रे मिस्टीरियो ने चेयर से ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करके उन्हें रिंग से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद WWE ने साफ जताया कि ब्रॉक लेसनर अभी भी रे मिस्टीरियो और केन वेलास्केस के साथ फ्यूड में दिखाई देने वाले हैं। बट रे मिस्टीरियो रॉ ब्रांड से जुड़े हुए हैं और अगर WWE को ब्रॉक लेसनर की फ्यूड रे मिस्टीरियो के साथ दिखानी है, तो कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर को रॉ ब्रांड में वापस जाना होगा। ऐसा होने से यूनिवर्सल टाइटल स्मैकडाउन में और WWE चैंपियनशिप रॉ ब्रांड में चली जाएगी। ऐसा होने से अच्छी बात यह भी होगी कि स्मैकडाउन और रॉ के स्टार को यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप जीतने का मौका मिलेगा, जो कि पिछले काफी टाइम से एक ही ब्रांड से जुड़े हुए थे। वहीं अब जब ब्रॉक लेसनर रॉ पर होंगे, तो WWE आने वाले सर्वाइवर सीरीज में फिंड वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच भी बुक कर सकती है। इस मैच के होने की प्रेडिक्शन मैंने हेल इन अ सेल PPV से पहले ही कर दी थी। वहीं ब्रॉक लेसनर का स्मैकडाउन को छोड़कर रॉ पर जाने के पीछे एक बड़ा रीजन खुद पॉल हेमन है। वो इसलिए क्योंकि पॉल हेमन रॉ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उन्हें स्मैकडाउन पर भी अपने क्लाइंट ब्रॉक लेसनर के साथ आना पड़ता है। अब जब ब्रॉक लेसनर रॉ पर होंगे, तो पॉल हेमन बिना किसी प्रॉब्लम के उनके साथ आ सकेंगे और दिख सकेंगे। अब ड्राफ्ट के बाद रॉ में और स्मैकडाउन में न्यू सुपरस्टार की एंट्री हुई है, तो ब्रॉक लेसनर और फिंड के लिए हमें न्यू फ्यूड्स भी देखने को मिलेंगी, जो शायद WWE के लिए और फैंस के लिए काफी सही होगा। अब ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ पर दिखने वाले हैं और वहां आके रे मिस्टीरियो का शिकार कर सकते हैं और मिस्टीरियो को उन पर अटैक करने के लिए पनिश कर सकते हैं। ऐसा होने की उम्मीद फिंड के क्राउन जूल में चैंपियन बनते ही हो गई थी। वैसे आपको क्या लगता है, ब्रॉक लेसनर और फिंड में से किसे रॉ ब्रांड पर जाना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।